रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आज मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी पुडिंग शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत मज़े की और सीज़न के हिसाब से बहुत अच्छी बनती है और घर में बहुत पसंद की जाती है, बच्चों में बड़ों में। ये ज़्यादा मीठी भी नहीं होती। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में एक टेबलस्पून भर के वो बटर लेंगे या असली घी, यानी कि देसी घी। इसमें डाढ़ा घी नहीं चाहिए आपको, बटर चाहिए तो या फिर देसी घी लें। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको गर्म करेंगे, बिल्कुल दम की आंच पे जिसको कहते हैं। उसमें दो टेबलस्पून हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर भर के, दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर होगा। हम इन तीन दोनों चीज़ों को हल्का सा लो फ्लेम पे भूनेंगे। भूनने का मकसद ये है कि ये कॉर्नफ्लावर का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए और घी पिघल जाए, जिससे ये हल्का सा इसमें कलर नहीं आना चाहिए। इसको हम बस थोड़ा सा भूनेंगे, इसका कलर नहीं है इसलिए हल्की आंच रखी है, कोई ये जल के तो इसका कलर नहीं आए और ये इसका जो कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये इसकी खुशबू जो है कॉर्नफ्लावर की वो हमें आनी चाहिए। ये लो फ्लेम पे एक दो मिनट लगेंगे और ये भूना जाता है, और इसको चलाते रहें, नहीं तो ये एक साइड से इसका रंग चेंज हो जाएगा तो फिर आपकी पुडिंग जो है वो उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल लो फ्लेम पे है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा कि उसमें बबल आ रहे हैं या नहीं। एक कप दूध, फुल फैट दूध लें, उसको पहले थोड़ा सा डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके तो अच्छी तरीके से, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ या कोई लम्स ना बन जाए, जिससे वो हमारा बैटर जो हमने पुडिंग बना रहे हैं वो गुठलियों वाली बने और अलग अलग हो। इसको स्ट्रेनर से हम छानेंगे। एक कप जो हमने दूध लिया है, ये बड़ा कप है, तो हम इसको स्ट्रेनर से छान लेंगे ताकि वो कॉर्नफ्लावर का जो है ना टेक्सचर जो है अच्छा हो। और ये बिल्कुल क्रीमी कस्टर्ड की तरह ये पुडिंग बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। और अब हमने इसको डाल के हल्का हल्का हलाते जाएंगे और फ्लेम जो है मीडियम रखेंगे, ना हाई ना लो, और इसको पकने देंगे। पकने इतना पकाएंगे जैसे कस्टर्ड की तरह ये गाढ़ा हो। इसको सासा ज़रूर चलाना चाहिए चमचे को, नहीं तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये नीचे जल भी जाएगा। आप इसमें दो कतरे स्ट्रॉबेरी एसेंस भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहे तो ना डालें, अगर आपको पसंद है तो ठीक। ये देखें मैंने चम्मच में दिखाया कि चम्मच जो है कोटिंग हो गई है, उंगली से आप हटाएंगे तो वो आपको नीचे से चम्मच से बिल्कुल साफ चम्मच नज़र आएगा। इतना आपको गाढ़ा करना है। आप हसबे ज़रूरत स्ट्रॉबेरीज लें, धोएं, वॉश करें, उसके पत्ते उतार के और इसको मोटा मोटा कट कर लें। कम से कम एक कप जो है हम या एक प्याली भर के स्ट्रॉबेरी लेंगे, उसको काट के तो फिर उसको हम ना ये पुडिंग में शामिल करेंगे। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी एक कप लेके उसको मैंने काट लिया। अब उसमें दो से तीन या चार आपकी ये देख लेंगे, उसका जितनी आपने स्ट्रॉबेरी ली है उसमें चीनी का मीठा आना चाहिए, ये ना हो कि ये फीकी हो। इसको डाल के अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, बिल्कुल मशीनी करना, थोड़ा सा मोटा मोटा हो और कुछ ब्लेंड हुई नहीं हो और कुछ मोटी स्ट्रॉबेरी हो। ये देखें ये स्ट्रॉबेरी प्यूरी, इसमें कुछ मोटे मोटे चंक्स भी हैं और बिल्कुल जो है स्मूथ उसमें बैटर भी है। अब ये व्हिप क्रीम है, मैंने कस्टर्ड में चीनी नहीं डाली थी जो मैंने वो पुडिंग बनाई है। ये जो मेरी व्हिप्ड क्रीम है ये मीठी है, ये बाज़ार की क्रीम है, इसमें हल्का सा मीठा होता है, इसलिए मैंने अपनी पुडिंग में कोई चीनी कोई फ्लेवर मीठे का नहीं डाला, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी मीठा है और जो व्हिप्ड क्रीम है वो भी मीठी है। इसको पहले हल्का सा हाथ से फेंट लें, किसी भी आप बीटर से लें, हैंड बीटर लें या इलेक्ट्रिक बीटर लें, वो आपकी जो आपको अवेलेबल हो आप वो ले सकती हैं।
लेकिन हैंड ब्लेंडर से जो है वो आपको ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप इलेक्ट्रिक लेंगे उससे ये काम ज़रा जल्दी हो जाता है। व्हिप्ड क्रीम को थोड़ा सा बीट करने के बाद ये जो हमने पुडिंग बनाई थी उसको ठंडा किया फ्रिज में रख के, अब वो ठंडी हो गई है, काफ़ी हद तक ठंडी हो गई है, इसको गर्म यूज़ नहीं करेंगे हम, उसको भी हल्का सा फेंटेंगे, फेंट के उसको फिर जो व्हिप्ड क्रीम है उसमें डाल देंगे। ये हमारी जो पुडिंग है ठंडी हो चुकी है, क्रीम भी हमारी ठंडी थी इसलिए हमने उसको अच्छा सा दोनों को मिक्स करना है। ये दोनों यकजा होंगी और इसमें हमारी पुडिंग में भी मीठा आ जाएगा जो क्रीमी है। अभी इसको हमने इतना बीट करना है कि ये थिक हो जाए, जितना केक के ऊपर हम लगाने के लिए क्रीम बनाते हैं हार्ड क्रीम हो जाती है बीट करने से, इसी तरह ये कुछ देर मैंने हैंड ब्लेंडर से की है ताकि आपको पता चले, जिनके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर नहीं है उनको मुश्किल ना लगे, ये हाथ से भी हो जाता है लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इसके साथ ही थोड़ी सी ये स्ट्रॉबेरी पुडिंग जो है वो आप इसमें ऐड करें, साथ मोटे मोटे जो चंक्स हैं वो लाजमी इसमें डालें क्रीम में। अगर कम हो तो आप काट उसको दोबारा काट के स्ट्रॉबेरी को और को वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें पुडिंग में जब मोटे मोटे स्ट्रॉबेरी के टुकड़े आएंगे मुंह में खाते हुए तो वो आपको बहुत अच्छा फील आएगा। ये बिल्कुल हल्की सी पिंक कलर की इसकी शेड आनी चाहिए, ज़्यादा पिंक नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे भी हमने स्ट्रॉबेरी से थोड़ा सा काम करना है। अगर ये भी ज़्यादा रेड कलर का होगा तो फिर हमारी पुडिंग जो है बिल्कुल रेड हो जाएगी तो वो फिर अच्छी नहीं दिखेगी, खाने से पहले ही हमें लगेगा कि पता नहीं क्या हम लोगों ने किया। ये देखें ये अभी भी पतली है, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा बीट करने लगी हूँ ताकि जल्दी हो जाए काम। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, खाएं और फीडबैक भी दिया करें कि ताकि मुझे हौसला अफजाई हो, मुझे पता चले अच्छा लगा आपको बुरा लगा, क्या हुआ आपके साथ, आपने कैसा फील किया खाते हुए मेरी रेसिपी को, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दिया कीजिए। क्रीम मेरी बीट हो चुकी है, पुडिंग तैयार है। अब सबसे पहले मैं गिलास को थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी उसी स्ट्रॉबेरी सिरप से, थोड़ा सा साइडों पे लगा के, आप पाइपिंग बैग से भी लगा सकती हैं, चम्मच से भी लगा सकती हैं, और नीचे थोड़ी सी ये स्ट्रॉबेरी जो प्यूरी है वो डालेंगे, उसके ऊपर हम पुडिंग डालेंगे। ये वन सर्विंग है, इसको इसी तरह अलग अलग प्यालों में या गिलास में आप बना के अलग अलग सर्व करें, आपको एक बड़े बोल में बनाएंगे तो वो खाने में मिक्स हो जाए। ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी जो है मैंने ऊपर भी डाली है ताकि आप इसको फ्रेश को भी इंजॉय करें और पुडिंग को भी करें। ये पिंक स्प्रिंकल है जो मैंने केक के लिए होते हैं वही वाले हैं, आप इसके ऊपर पिंक डालें, चॉकलेट भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने पिंक से काम किया है इसलिए मैंने पिंक डाल रही हूँ, आप अपनी चॉइस से भी कर सकती हैं कुछ। इसको बनाएं, खाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप देखें ये वन सर्विंग है, आप इसको एक बॉल में भी तैयार कर सकती हैं, वो आपकी अपनी पसंद होगी, लेकिन मैंने ये वन सर्विंग के लिए अलग अलग बनाया है कि ताकि हर मेहमान के लिए एक कप जो है उसके लिए तैयार हो, वो आराम से हर चीज़ इंजॉय करे। ये बहुत मज़े की पुडिंग बनती है। ये बहुत मज़े की पुडिंग है, आप इसको इंजॉय करें एक बार ज़रूर, देखें खाएं, अपने दोस्तों को दें, अपने फ्रेंड्स को दें, अपने मेहमानों को दें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी।
इसलिए मैं फिर कहूँगी, मेरी वीडियो देख के अगर आपको पसंद आए रेसिपी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।